अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डी मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट नंबर जो है वो 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 3x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2x और प्लस 5। अच्छा, हमने करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू। तो जिसके लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट करते हुए वैसे लेट किया ना हमने डिपेंडेबल वेरिएबल से, तो लेफ्ट साइड को तो हो गया, राइट साइड पे आपने एज इट इज लिख देना है। तो 3x² डिवाइड बाई 2 और प्लस 2x और प्लस 5 आ गया, ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो हम लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x है, इसी की रिस्पेक्ट लेंगे ऑन बोथ साइड पर। तो d डिवाइड बाय dx इनटू y इज इक्वल टू, ठीक है जी, और d डिवाइड बाय dx इनटू आ जाएगा हमारा यहाँ पर एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस सॉरी यहाँ पे 3 लिखना है, 3x² डिवाइड बाय 2 और प्लस में 2x और प्लस 5। अभी तो हमने इसको इकट्ठा लिख दिया, अब सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा जो है वो लग जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, क्योंकि इसमें 1/3 कॉन्स्टेंट है। तो माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू आप लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 2x² भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस वाले को आप 1 डिवाइड बाई 3x³ भी लिख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्स्टेंट लेने में आसानी हो डेरिवेटिव में शुरू में लाने के लिए। और फिर आपका डेरिवेटिव आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 2x और प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू कॉन्स्टेंट 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी लॉन्ग एक पेपर जो है उसमें लॉन्ग पार्ट आया हुआ है 5 नंबर का, जो 15 का फर्स्ट एनुअल था। अभी मैंने नए पेपर्स देखे नहीं है, वर्किंग करूंगा, आप नोट्स तैयार करूंगा इंशाल्लाह, और वो भी आपको ptsa.edu.blogspot.com की जो वेबसाइट मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मेंशन है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से आप जो है इनके नोट्स PDF भी देख सकते हैं व्यूज की शक्ल में, ना ई बुक की शक्ल में। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं dy डिवाइड बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर हमने सेपरेटली डेरिवेटिव तो लगा दिया। अब इसमें आपका 1 डिवाइड बाई 3 कॉन्स्टेंट शुरू में आ गया, तो आपने अब नेक्स्ट में इस पे क्यूब एक्स क्यूब का पावर रूल लगाना है। तो माइनस इसमें 3 डिवाइड बाई 2 कॉन्स्टेंट शुरू में आ गया, आप चाहें तो इनको अलग ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। और 3 डिवाइड बाई 2 शुरू में लाते हुए आपने नेक्स्ट इस पे एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, प्लस यहाँ पर आपका जो है 2 शुरू में आ गया, तो आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, एक्स का। लास्ट में आपको पता है कि 5 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ तक हो चुका है हमारा, सो dy डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ तक आप समझते भी हैं, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर की तरह है। यहाँ पर अब आपने पावर रूल लगाना है, तो मैं ब्रैकेट बाहर की बजाय ब्रैकेट अंदर लगा देता हूँ, और यहाँ पर आपका आ जाएगा पावर शुरू में x बेस लिखे पावर एक कम करके, और फिर आगे आपने डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर के बेस x का। ये 3 आपका इस तरीके से कट जाएगा, माइनस आ गया, 3 डिवाइड बाई 2 को बाहर ले लेते हैं, इसका पावर रूल है पावर शुरू में, ठीक है जी। x को लिखे पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने बेस x का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह 2 से कट जाएगा, फिर लास्ट में आपका आता है प्लस, ये 2 होगा, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 होता है इसका, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो सिंप्लीफाई हो गया, dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर का डेरिवेटिव ये विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 ही होता है। माइनस में हमारा आ जाएगा 3x, और इसका भी डेरिवेटिव 1 और प्लस 2 आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है की वैल्यू आ रही है यहाँ पर x² माइनस 3x प्लस 2। और अब आपको पता है कि हमने यहाँ पर dy डिवाइड बाई डी एक्स को 0 पुट करना होता है, जिसकी बेस पर हम क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं, और उन्हीं दो वैल्यूज में से हम मैक्सिमम और मिनिमम को डिसाइड करते हैं। तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2, या आप लिख सकते हैं इसको कि इट्स नॉट एन क्यूब, इट्स अ स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको रूट्स निकालने हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, और माइनस 1 और माइनस 2 होते हैं माइनस में 3, तो आपको 3x चाहिए तो माइनस x कर लें, माइनस 2x कर लें तो माइनस में 3x मिल जाएगा। यहाँ पर हम रूट्स ये लगाते हैं कि x² माइनस x कर लेते हैं, माइनस में 2x कर लेते हैं, जो कि माइनस 3x हो जाता है। यानी हमने इसको क्या किया है, फैक्टराइज कर दिया है, और प्लस 2 कर देंगे इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स बन गए। इसमें पहले में आप x कॉमन लेते हैं तो x माइनस में 1 आ जाएगा, और दूसरे में माइनस 2 कॉमन ले लें तो x बच गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 2, 1 द 2। दो पीरियड्स इसके भी बन रहे हैं, एक आपके पास है x माइनस 1
और दूसरा आपके पास है एक्स माइनस टू, दोनों के जीरो के इक्वल करते हुए आपने दो वैल्यूज निकालनी है। तो एक्स माइनस वन भी इक्वल टू जीरो हो गया एंड एक्स माइनस टू भी इक्वल टू जीरो हो गया। तो एक्स की एक वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव वन। फोर ये वन आपका जो है ये छोटी वैल्यू है, जबकि एक्स इक्वल टू टू जो है ये बड़ी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू फॉर मैक्सिमम और बड़ी वैल्यू फॉर मिनिमम। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, मैं बुक से ही लिख लेता हूँ, हमें फिर वापस जाना पड़ेगा देखने के लिए। क्वेश्चन आपको पता है कि हमारा यहाँ पर है y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस टू एक्स प्लस फाइव, यही क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आपने वन पुट करना है फोर मिन मैक्सिमम के लिए, इसका मतलब है कि हम मैक्सिमम निकालने वाले हैं कि हम वन पुट करने वाले हैं। तो वन का क्यूब डिवाइड बाई थ्री माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वेयर डिवाइड बाई टू प्लस टू इंटू वन प्लस फाइव। और अब हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं एक्स की जगह पे टू, जो कि अब दूसरी बड़ी वैल्यू है, तो वो फोर मिनिमम के लिए। तो वाई मिनिमम और वैल्यू बड़ी वाली पुट करते हैं, सो टू का टू है ना हमारे पास, ठीक है एक्स, तो टू का क्यूब डिवाइड बाई थ्री आ गया माइनस थ्री इंटू टू का स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, ठीक है जी। ये मैं थ्री नीचे ज़रा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये थ्री है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल थ्री है, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस टू इंटू थ्री, सॉरी टू ही है, और प्लस फाइव आ जाएगा, एक्स टू है ना। तो अब यहाँ पर पहले एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, ये वाई मैक्सिमम जो है ये वैल्यू हो जाएगी वन का क्यूब, वन ही है डिवाइड बाई थ्री, माइनस में आपका थ्री और वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, सो थ्री वन था थ्री डिवाइड बाई टू हो गया। और प्लस में अब यहाँ पे देखें तो टू वन था टू और प्लस फाइव कितने हो गए, प्लस सेवन, सकते हैं ना हम ऐड कर लिया हमने, सेवन डिवाइड बाई वन आ गया। अब यहाँ पर वाई मैक्सिमम में जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो सिक्स आएगा, क्योंकि थ्री और टू दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सिक्स आ जाएगा। ये थ्री टू द सिक्स हुआ तो टू आ गया, ये टू थ्री द सिक्स हुआ तो थ्री थ्री द नाइन हो गया, और प्लस आपका यहाँ पे सेवन सिक्स द फोर्टी टू आएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह इशू आ रहा है तो आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। और एलसीएम का मेथड मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एलसीएम की वैल्यू लिखे डिवाइड बाई डिनोमिनेटर करके मल्टीप्लाई बाय आपने न्यूमिनेटर करना है। तो इस तरह देखें, अगर थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखी जाए तो ये होता है कि थ्री टू द सिक्स हुआ तो टू वन द टू, इस तरह लिख लें, माइनस आपका टू थ्री द सिक्स हुआ तो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करना है, और ये आपका कोई भी मैच नहीं करता तो सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा सेवन के साथ, ये रूट्स है इसके, बेसिकली इस तरह वैल्यू बनती है। एक और अगर हम मैथड देखें तो वाई मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी टू माइनस थ्री थ्री द नाइन और प्लस सिक्स सेवन द फोर्टी टू डिवाइड बाई हमारे पास आ गया सिक्स। अब देखते हैं कि ये वैल्यू क्या बनती है, तो वो वाई मैक्सिमम 42 है और यहाँ पर हमारे पास 42 और ये कितने हो गए 44, ठीक है 44 माइनस 9 कर लेते हैं, तो 44 माइनस 9 किया तो ये हमारे पास आ गया 35। तो 35 डिवाइड बाय 6 जो है ये मैक्सिमम की वैल्यू है, इसकी कटिंग भी मुमकिन नहीं है, इसकी टेबल पर भी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो वाई मैक्सिमम की वैल्यू आ चुकी है, वाई मिनिमम की चेक कर लेते हैं। सो वाई मिनिमम इज इक्वल टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट डिवाइड बाई थ्री माइनस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टू टू द फोर, फोर थ्री द ट्वेल्व कर लें डिवाइड बाई टू, और प्लस में आपके पास टू टू द फोर और प्लस फाइव कितने हो गए नाइन डिवाइड बाई वन। इसका भी आप एलसीएम लें तो क्या आता है, सिक्स ही आएगा, देखिए थ्री टू द सिक्स हो गया सिक्स, थ्री टू द सिक्स है तो टू मल्टीप्लाई बाई एट कर लें माइनस टू सिक्स द ट्वेल्व, टू थ्री द सॉरी सिक्स है टू थ्री द सिक्स, तो थ्री को मल्टीप्लाई कर दें ट्वेल्व के साथ और प्लस, अब ये वाली वैल्यू जो है वो नाइन सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी नाइन के साथ, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर y मिनिमम इज इक्वल टू टू एट द सिक्सटीन, ठीक है, और माइनस में आ गया ट्वेल्व थ्री द थर्टी सिक्स और प्लस आपका आ जाएगा सिक्स नाइन द फिफ्टी फोर और डिवाइड बाई आपका आ गया यहाँ पे सिक्स। अगर हम इसको मजीद ऐड करते हैं तो y मिनिमम की वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। देखिए अगर आप 54 प्लस 6 करें तो ये होगी 60 प्लस 1 70, 70 में से आपने 36 माइनस करना है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि 16 तो ऐड होती है ना, 16 ऐड प्लस में वो 54 है, तो ये तो हो गया 70, इसमें से माइनस कर दें 36 तो आई थिंक 34 आएगा आपका, ठीक है बिल्कुल 34 आ गया। तो इसकी कटिंग होती है क्या, टू के मुताबिक कटिंग करके देखें तो हो सकती है, यानी 34 डिवाइड बाई 6 करें तो टू पे कटिंग है, टू थ्री द सिक्स, टू वन द टू, टू सेवन द फोर्टीन, 17 डिवाइड बाई यानी 17 डिवाइड बाई टू आ रहा है। सो वाई मिनिमम की वैल्यू जो है वो 17 डिवाइड बाई थ्री बन रही है। अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने आंसर्स नहीं देखे। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका टू का पार्ट फोर,
35 डिवाइड बाय 6 जो है वो फॉर मैक्सिमम है वाई मैक्सिमम, और 17 डिवाइड बाय 3 जो हमारी मिनिमम की वैल्यू ही है। आई होप के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले क्वेश्चन आया, हमने उसका लेट करते हुए फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पहले निकाल लिया, फिर डिवाइड बाय dx को जीरो पुट कर लिया, जीरो पुट करने के बाद इक्वेशन बनी, इसको फैक्टराइज किया, दो फैक्टर्स आ गए जिसको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हैं या टर्निंग पॉइंट। दोनों क्रिटिकल वैल्यूज में दो वैल्यूज थी, जो छोटी वैल्यू थी वो हमने वाई मिनिमम सॉरी मैक्सिमम के लिए फाइंड की क्वेश्चन में पुट करते हुए, और जो बड़ी वैल्यू थी उसको वाई मिनिमम के लिए हमने पुट किया क्वेश्चन के अंदर। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज भी बोलते हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 6 पार्ट आपने करने हैं, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक जो है सॉरी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ।